दोस्तों ये क्या है आपको पता है? अगर नहीं पता दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, ये बैको लोडर जेसीपी 3DX का रियर हब है और इसका सील कट गया था और हमने इसको ओपन किया है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप इस हब के रियर को कैसे फिटिंग कर पाएंगे। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको पहले ओपन कर लिया था, ओपन करने के बाद में सारा कुछ क्लीन कर लिया है। अब दोस्तों हमें सील को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक बैरिंग को फिटिंग करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये सील है, अगर इस सील का पार्ट नंबर नोट करके रखना चाहते हैं तो नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों अभी मैकेनिक ज्ञान ऐप को मैंने अपडेट किया था प्ले स्टोर पे, बट दोस्तों उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। अगर प्ले स्टोर पे लाइव नहीं होता है तो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, तो देख सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। देख सकते हैं दोस्तों हमने सबसे पहले तो बेरिंग को बिठा दिया था, उसके बाद में आयल सील को ठोक दिया है। और आयल सील को ठोकने के बाद दोस्तों हमको हब को कुछ इस प्रकार से फिटिंग करना है। इसके बाद बेरिंग के ऊपर हल्की हल्की चोट मार करके हब को क्लियर एकदम फिक्स बिठा देना है। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरा बेरिंग फिटिंग कर देना है। दूसरा बेरिंग सेम है, सेम पार्ट नंबर का होता है, अंदर वाली और बाहर वाली। इसको भी हल्का हल्का चोट मार करके इस बेरिंग को भी फिक्स बिठा देना है। इसके बाद दोस्तों हमें कैरियर एनुअल को फिट करना है और कैरियर एनुअल रिंग को फिट करना है। तो दोनों एक साथ असेंबल है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही फिटिंग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अंदर साइड में देख लेना डावल सही से फिटिंग हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर सही से फिट हो गया होगा तो आप हल्का सा चोट मारकर आप इसको बिठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें 19 नंबर बोल्ट से इसको अच्छे से टाइट करना है। लेकिन दोस्तों 19 नंबर बोल्ट को टाइट करने से पहले आपको एरोलाइट या लॉक टाइट मिलाकर ही आपको लगाना है बोल्टों को। इसमें टोटल 8 बोल्ट होते हैं और 8ों बोल्ट पे लॉक टाइट या एरोलाइट लगाकर ही इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर हो सके तो इसे टॉर्क रिंच से भी टाइट कर सकते। अगर आप टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करते हैं तो इसे 110 LVFT पे आप टाइट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम अभी टॉर्क रिंच से ही टाइट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें बड़ी ओरिंग लगा देना है। ठीक है, ओरिंग के ऊपर आप हो सके तो एनावल लगा दीजिए हल्का हल्का। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सल को फिटिंग करना है, लेकिन दोस्तों एक्सल में सन गियर ऑलरेडी लगा हुआ है। एक्सल को हल्का सा नीचे दबाना है और सेंटर मिलाकर डायरेक्ट इस प्रकार से फिटिंग कर दो। इसके बाद दोस्तों हमें कैरियर प्लानेटरी हब को फिटिंग कर देना है। फिटिंग किस प्रकार से करना है चलिए हम आगे आपको बताते हैं। प्लानेटरी हब को एकदम स्ट्रेट सीधा पकड़ना है और सबसे पहले तो जो एक्सल है, एक्सल का जो सन गियर है, सन गियर का और प्लानेटरी गियर का जो तीत को मैच करना है, और मैच करने के बाद में सीधा इस प्रकार से ढकेल देना है। उसके बाद में नीचे बैठ जाना है और एकदम सेंटर रखना है हब को, और हल्का सा उठाकर रखना है, और उसके बाद में दोस्तों घुमाना है हल्का हल्का, आराम से फिटिंग हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप पॉपुलर शॉप का सहारा ले सकते हैं, हल्का सा पॉपुलर शॉप को घुमाएंगे तो भी आसानी से फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं।